दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल SS डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनको आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर या एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर किस तरह से आप उनको इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। और सेकेंड, इसके अलावा अगर आप अपने आईफोन के अंदर भी उनको इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप कैसे कर पाएंगे, तो इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपना सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, एक CSV फाइल जनरेट करनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेल के अंदर आपको अभी मैं कॉन्टैक्ट के नेम और फोन नंबर के लिए ये दो चीज़ यहाँ पे टाइप करूँगा। मैंने किया नेम, नेम में आपको नेम का जो N कैपिटल है वो आपको कैपिटल रखना है। NAME है जो है उसका नेम, स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर आपको कैपिटल लेना है। और फोन में आपको P कैपिटल लेना है। और मैं इसको थोड़ा सा आपको जो है जूम करके दिखा देता हूँ। फॉर्मेट आपको ये रखना है, जो ये दोनों चीज़ है आपको नेम और फोन। अब फोन के आगे आपको फोन नंबर भी टाइप नहीं करना है और नेम के आगे आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। केवल ये दो चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि नेम का N कैपिटल होना चाहिए और फोन का P कैपिटल होना चाहिए। अब वापस मैं आ जाता हूँ इसको स्टैंडर्ड साइज में। और यहाँ पे अब नेम में मैं टाइप कर लेता हूँ ABC, जैसे कि मैंने टाइप किया ABC डेमो के लिए ABC 1, और उसके बाद कर देता हूँ मैं सेकेंड के अंदर ABC 2। और यहीं से मैं ड्रैग करता हूँ 100 तक। मैं इसको जो है अपना नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट 100 मैंने ले लेता हूँ। यहाँ से देखिए ये मैंने 100 तक किया। और फोन नंबर के अंदर भी मैं डेमो के लिए कुछ भी नंबर टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये मैंने 0 भी टाइप किया। और अब मैं इसको जो है नंबर आपने टाइप किए हैं, अब यहाँ पे आपको इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल सेलेक्ट करना है। और यहाँ आपको इसकी फॉर्मेट जो है वो स्पेशल में जब आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फोन नंबर, और आपको करना है ओके। और अब इसको भी आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे मैंने अपने जो है 100 कॉन्टैक्ट की एक लिस्ट जनरेट की है। तो यहाँ पे अब ये जो 100 कॉन्टैक्ट की मेरी लिस्ट है इसको मैं सेव करूँगा CSV फॉर्मेट में। तो इसके लिए मैं फाइल में जाके इसको सेव करता हूँ, और सेव की मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया और फाइल का नेम दे देता हूँ मैं ऐड कॉन्टैक्ट, और फॉर्मेट आप यहां से देखिए सेव टाइप में आपको सेलेक्ट करना है CSV। तो यहां से मैंने सेलेक्ट किया CSV और मैं इसे कर देता हूं सेव। इसे मैंने सेव किया यस, और अब मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूं। अभी मुझे इसको सेव नहीं करना, मेरी ये एक्सेल की फाइल को मैंने CSV में इसको सेव कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि ये ऐड कॉन्टैक्ट वाली जो CSV फाइल है ये मेरी यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। इसे मैं एक बार ओपन करके चेक कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट अगर मैं चेक करता हूँ तो वही 100 है इसके अंदर। और अब इन्हीं कॉन्टैक्ट को मैं अपने जो है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इम्पोर्ट मुझे करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और उसमें आपको वो ईमेल एड्रेस साइन इन करना है जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपने उसमें साइन इन किया हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने अपनी जो ईमेल आईडी को साइन इन किया हुआ है। और अब आपको कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करने के लिए जो गूगल के ऐप बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां से आपको सेलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट्स। तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर मेरे कुछ कॉन्टैक्ट ऑलरेडी ऐड है इसमें। और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे यहां पे है 795 कॉन्टैक्ट मेरी एड्रेस बुक में ऑलरेडी इसी ईमेल आईडी पे ऐड है।
तो अभी जो मैंने 100 कॉन्टैक्ट की लिस्ट जो जनरेट की है उसको भी मुझे इसमें इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा इंपोर्ट। और इंपोर्ट में आपको जब क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है और आपको यहाँ सेलेक्ट करना है सेलेक्ट फाइल, और यहाँ से आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है। जैसे डेस्कटॉप पे मैंने फाइल को सेव किया था तो मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर वो फाइल मैं सेलेक्ट करूँगा जो मैंने सेव की थी ऐड कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ओपन, और फिर आपको क्लिक करना है इम्पोर्ट। तो जैसे ही आप इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट जो है इस ईमेल एड्रेस पे इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर है जो 100 है वो आपने जो टाइप किया था ABC, वो नेम, और इसके अलावा ये नंबर आप देखेंगे वो दोनों चीज आपके इस ईमेल एड्रेस के अंदर इम्पोर्ट हो गए हैं। और जैसे ही आप जितनी फाइल यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे लेबल जनरेट हो जाते हैं। तो इससे पहले भी मैंने जो है 2 बार मेरी अपने एड्रेस बुक को इम्पोर्ट किया था, तो ये दो लेबल और ऑलरेडी इसके अंदर ऐड हैं, और ये थर्ड नंबर का जो मैंने अभी इसके अंदर इम्पोर्ट किया है। तो अगर आप यहाँ से इनको जो है डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं, और इसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो जैसे अभी आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर नेम और फोन नंबर केवल वो दो चीज ही इसके अंदर ऐड की है, और अब यदि आपको इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अगर आपको फिल करनी है तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई सा भी अगर कॉन्टैक्ट आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग का ABC1 सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके जब आप देखेंगे ये ट्रिपल डॉट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट, तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आप अपनी इस फाइल को किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने CSV के अंदर मैंने किया था, एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर आप CSV करेंगे, अगर आप iOS के अंदर करना चाहते हैं या आईफोन आपका है उसके लिए iOS कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ गूगल CSV और मैंने इसको किया एक्सपोर्ट, और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे शो इन फोल्डर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी कॉन्टैक्ट वन वाली जो है इसको है, अब मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। तो अभी आप देखेंगे ये मेरी पूरी गूगल की जो CSV फाइल थी इसमें सारे फील्ड आ चुके हैं। अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे केवल एक कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट किया था तो उसकी यह पूरी फॉर्मेट आ चुकी है। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो जो फील्ड आपको रखना है इसके अंदर उस फील्ड की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके नीचे वो फील्ड अगर आप जैसे कंपनी नेम ही ऐड करना चाहते हैं या कोई इसके अंदर बर्थडे डेट करना ऐड करना चाहते हैं, तो कोई लोकेशन आप ऐड करना चाहते हैं, तो मतलब कि ये है कि ये फॉर्मेट आपको मिल चुका है। अब इसके नीचे आप जितनी एंट्री करेंगे और एंट्री करके इसको सेव करेंगे, और सेव करके जब आप इंपोर्ट करेंगे तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे मैं सेव नहीं करता हूँ, और इसे भी मैंने क्लोज किया। और अब यदि आपको ये 100 कॉन्टैक्ट्स हैं तो 100 कॉन्टैक्ट्स को जो आपको अपने आईफोन के अंदर इंपोर्ट करना है तो आईफोन के अंदर इंपोर्ट करने के लिए, तो अब आपको जब सेलेक्ट करेंगे किसी भी कॉन्टैक्ट को और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है ऑल, और ऑल पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है, और अब आपको यहाँ क्लिक करना है एक्सपोर्ट, और अब आपको सेलेक्ट करना है वी कार्ड फॉर iOS कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट। तो अभी आप देखेंगे जो कॉन्टैक्ट वन वाली जो फाइल है ये मेरी वी कार्ड की जो फाइल है वो जनरेट हो गई है। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और अभी जो मैंने डेमो के लिए कॉन्टैक्ट लिए थे मैं इन कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ अंडू करेंगे तो भी ये कॉन्टैक्ट भी यहाँ से हट जाएंगे। अगर मैं अंडू नहीं करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देता हूँ, अब मैंने इनको किया डिलीट, तो जैसे ही मैं डिलीट भी करता हूँ तो ये दो ऑप्शन देता है कि अगर आपको ये कॉन्टैक्ट लेबल में चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुझे अभी कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ करता हूँ डिलीट ऑल कॉन्टैक्ट्स,
और लेबल भी इसके साथ ही डिलीट हो जाए। तो मैंने किया डिलीट। तो अभी आप देखेंगे ये जो है कॉन्टैक्ट्स, इसके अंदर मैंने अभी डिलीट कर दिए क्योंकि मुझे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब मैं इस आईडी को अगर अपने फोन में चेक करूंगा, तो अगर जैसे कि आप अपन चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स अभी मैंने डेमो के लिए लिए थे, अगर आप उसी तरह, तो मैंने तो डेमो लिया था, लेकिन अगर आप अपनी एड्रेस बुक को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आप उसको और भी एंट्रीज उसके अंदर करके आप इजी वे में उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब यही कॉन्टैक्ट आपको अपने आईफोन के अंदर इंपोर्ट करने हैं। तो आईफोन के लिए मैं यहाँ से एक नई टैब ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ www.icloud, icloud.com। तो ये आईक्लाउड जो होता है एप्पल आईडी के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मैं अपनी एप्पल आईडी को साइन इन करूंगा। यहाँ मैंने अपना जो है एप्पल आईडी को साइन इन किया, मैंने पासवर्ड इसमें ऑटो सेव किया हुआ है। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट्स। अभी आप देखेंगे इसके अंदर भी मेरे कुछ कॉन्टैक्ट ऑलरेडी ऐड हैं इसके अंदर। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेटिंग्स, जो बटन आप लेफ्ट बॉटम में देखेंगे, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ इम्पोर्ट वी कार्ड। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं वो लोकेशन सेलेक्ट करूँगा जहाँ से कि मैंने गूगल के अंदर से वी कार्ड की फाइल जनरेट की थी। तो वो मेरी फाइल डाउनलोड्स के अंदर है, कॉन्टैक्ट्स 0, कॉन्टैक्ट्स 1 के नाम से है। और इसे मैं करता हूँ ओपन। तो देखिए मेरे कॉन्टैक्ट्स जो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए अभी आप देखेंगे कि जितने टोटल कॉन्टैक्ट थे 100 कॉन्टैक्ट्स मेरे इसके अंदर इंपोर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने कॉन्टैक्ट्स जो है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर या अपने आईफोन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपको इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या कुछ कमेंट है आपके, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।